हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वेलकम टू आर जिज्ञासा सीरीज, जिसमें हम आपके साथ डेली फाइव इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं. और आज हमारा डे थर्ड है जुलाई 2019 का. और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जिन लोगों को भी पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल. वहाँ पर हम डेली पीडीएफ्स को अपलोड करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई हैज सेट अप पैनल टू रिव्यू द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज सुपरविजन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ. सो आरबीआई ने रिसेंटली एक पैनल सेटअप किया है. किस चीज़ के लिए किया है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं उनके सुपरविजन के रिव्यू के लिए एक पैनल सेटअप हुआ है. और वो पैनल जो है किसकी चेयरमैनशिप में सेटअप किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं माधव गाडगिल, तपन रे, एनएस विश्वनाथन एंड बीपी कानूंगो. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट नहीं है. अगर आपको पता है कि ये पैनल किसके अंडर, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर सेटअप किया गया है, तो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन. सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तपन रे जो है उनके अंडर इस पैनल को सेटअप किया गया है. तो इसके बारे में हम और जान लेते हैं. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दैट इज सेट अप अ वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द रेगुलेटरी एज वेल एज सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. और ये जो ग्रुप है, ये जो पैनल है, इसके हेड कौन होंगे? तपन रे. सो तपन रे कौन है? ही इज़ द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ही वॉज फॉर्मर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. अब हम देखेंगे कि जो पैनल बनाया गया है इसका काम क्या क्या होगा, क्या क्या फंक्शंस होंगे. सो फर्स्ट तो ये है कि इट विल एग्जामिन द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का, उसको एग्जामिन करेगा. किस टर्म्स में? कि एडिक्वेसी में, एफिकेसी में एज वेल एज इफेक्टिवनेस में. तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए वो एडिक्वेट है, यानी एडिक्वेट उसको रेगुलेट किया जा रहा है या नहीं. उसकी एफिकेसी है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब चीज़ें एग्जामिन करेगा. उसके बाद दूसरा फंक्शन है इस पैनल का, इट विल ऑल्सो असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ and suggest changes to the current approach of the RBI towards registration of CICS. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि core investment companies क्या होती हैं. तो उनके registration के लिए RBI ने correct approach है या नहीं, जो अभी current approach है इसकी appropriateness को assess किया जाएगा under this panel. और ये panel फिर suggest करेगी measures to strengthen the corporate governance and disclosure requirement for core investment companies. तो सबसे पहले examination होगा regulatory framework का, then RBI का सही approach है या नहीं ये assessment किया जाएगा. और जब examine assessment हो जाएगा उसके बाद this panel will also give measures कि किस तरीके से corporate governance को और disclosure requirement जो होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, एज वेल एज एडिक्वेसी ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न सबमिटेड बाय सीआईसीज एंड सजेस्ट चेंजेस. तो ये सारे जो हैं इसके फंक्शंस हैं. अब हम जानेंगे कि इसकी नीड क्या थी. ठीक है, ये पैनल जो बनाया गया है इसकी नीड क्या थी. सो ओवर द ईयर्स कॉर्पोरेट ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेयरिंग एंड लेवरेजिंग विच इज लेड टू ग्रेटर इंटरकनेक्टेडनेस विद द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू देयर एक्सेस टू पब्लिक फंड्स. सो ये जो है इसकी नीड है. एंड अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स में देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है स्ट्रेंथन करने की नीड है इन कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. सो जब से हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं विच हैव देयर असेट्स प्रीडोमिनेंटली एज इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर फॉर होल्डिंग स्टेक इन ग्रुप कंपनीज बट नॉट फॉर ट्रेडिंग. तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती हैं. सो इन्वेस्टमेंट कंपनीज NBFCs होती हैं. सबसे पहले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं. और इनका काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का. तो इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं? ये क्या करती हैं? दे होल्ड शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स, प्रेफरेंस बॉन्ड्स. ठीक है, इस तरीके के जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको ये बाय करके इन्वेस्टमेंट करती हैं कंपनीज में. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का. सो नाम से ही समझ आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिनका मेन बिजनेस, जिनका कोर बिजनेस क्या है, असेट्स को प्रीडोमिनेंटली होल्ड करना, स्टेक होल्ड करना कंपनीज में एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग. यानी ये जो है ट्रेडिंग के पर्पसेस से स्टेक को होल्ड नहीं करती, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेक्स को होल्ड करती हैं कंपनीज का. ठीक है, तो इससे आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती हैं. इसका एक और डिफ्रेंसिएशन हम इसका कर सकते हैं कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं वो 90% जो हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सबको
होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। 90% जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उसको बोला जाएगा जिसके 90% जो असेट हैं दोज आर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ट्रेडेबल पर्पज से यूज नहीं किए जाते, इनको होल्ड करके रखा जाता है सो दैट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। एंड CICs जो होती हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो और कोई अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करती, ये भी डिफरेंस है बिटवीन दी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड दी इन्वेस्टमेंट कंपनीज। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा कोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बीच, एंड वाई RBI हैज सेट अप दिस पैनल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको AFSPA बोलते हैं। इसके बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके रिलेशन में। सो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट से रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट। सो फर्स्ट है, इट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है, ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो यस, ये वाला जो नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें कि स्पेशल पावर्स देता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को देता है, ये भी नाम से ही क्लियर है, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो ये हमें देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो यस, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ जो गवर्नमेंट जिन एरियाज़ को डिस्टर्ब्ड एरियाज़ डिक्लेयर कर देती है, तो वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे इंडियन आर्म फोर्सेज जो हैं उनको स्पेशल पावर्स मिल जाती है इस एक्ट के अंडर। सो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। उसके बाद दूसरा है, इट एम्पावर सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंडक्ट ऑपरेशंस एनीवेयर एंड अरेस्ट एनीवन विदाउट प्रायर नोटिस। तो यस, ये वाला जो एक्ट है वो इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज इस एक्ट के अंडर जो आर्मी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको ये पावर मिल जाती है कि वो कहीं भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं एज वेल एज किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस। इसीलिए कॉन्ट्रोवर्शियल भी है एज वेल एज क्रिटिसाइज भी इसको किया जाता है। बट ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। सो अब हम देखेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो क्यों न्यूज में है और किसके कंटेक्स्ट में न्यूज में इसको देखा गया है। सो सेंटर जो है, दैट इज डिक्लेयर द एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड अ डिस्टर्ब एरिया। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो नागालैंड है वो पूरे ही स्टेट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है फॉर 6 more months अंडर द कॉन्ट्रोवर्शियल AFSPA। ये जो एक्ट है आर्म फोर्सेस एक्ट जो है, जिससे क्या होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर मिल जाती है कि दे कैन कंडक्ट ऑपरेशंस एनीवेयर, दे कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट प्रायर नोटिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ओपिनियन दिया है कि जो पूरा स्टेट है नागालैंड का, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और डेंजरस कंडीशन में है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है वहाँ पे AFSPA एक्ट को इम्प्लीमेंट करना और इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना, सो दैट इस एक्ट के अंडर जो है आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी एट इन द नागालैंड एट प्रेजेंट टाइम। सो इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि नागालैंड में इस एक्ट से क्या रिलेशन है। सो ये वाला जो एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, दैट हैज़ बीन इन फोर्स इन नागालैंड फॉर सेवरल डिकेड्स। सो कोई नया इस पर एक्ट नहीं लगाया गया है, सेवरल डिकेड्स से ये वाला एक्ट जो है वो नागालैंड में है। और इवन August 3, 2015 को एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया गया था बिटवीन द नागा इंसर्जेंट ग्रुप, जनरल सेक्रेटरी थ्विंगालेंग म्यूवा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा इंसर्जेंट ग्रुप जो है, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद भी ये वाला एक्ट जो है वहाँ से विड्रॉ नहीं किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, नागा इंसर्जेंट ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच कॉम्प्रोमाइज़ के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ, स्टिल दिस एक्ट वॉज नॉट विड्रॉन। और ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, दैट केम ओवर आफ्टर 80 rounds ऑफ नेगोसिएशन इन द पास्ट 18 years। सो पास्ट 18 years से इस एग्रीमेंट पे डिस्कशन चल रहा था और इसीलिए वहाँ पे सेवरल डिकेड्स है ये वाला एक्ट जो है दैट इज़ इन फोर्स। सो अब हम इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। सो इट वॉज पास्ड इन 1958 एंड इट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिससे क्या मिलता है, ये स्पेशल पावर्स देता है टू द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। सो ये एक्ट जो है कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कहाँ पर इट कम इन टू फोर्स, इन कंटेक्सट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया डेकेड्स अगो विच स्टेट गवर्नमेंट्स फाउंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो जो वायलेंस थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसके कंटेक्सट में बहुत ज़्यादा ये
न्यूज में देखा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा वायलेंस बहुत साल से है और स्टेट गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू कंट्रोल दैट, इसीलिए इस एक्ट को वहां पर लगाया गया. सो अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976, ये डिस्टर्ब्ड एरियाज किसको डिक्लेयर किया जाएगा उससे रिलेटेड एक्ट है. सो once declared disturbed, the area has to maintain status quo for a minimum of 3 months. तो ऐसा नहीं है एक बार अगर कोई भी स्टेट जो है या फिर कोई भी एरिया जो है उसको डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो एटलीस्ट 3 months तक जो है डिस्टर्ब्ड ही रहेगा. और यानी डिस्टर्ब एरियाज में पीस मेंटेन करने के लिए AFSPA जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो ऑब्वियसली बात है 3 months के लिए एटलीस्ट ये एक्ट वहाँ पर फोर्स में रहेगा अगर एक बार किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो ये एक्ट जो है इसको बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिली है फॉर सेवरल सेक्शंस फॉर अलेजेड कंसर्न्स अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन द रीजंस ऑफ इट्स इन्फोमिस अलेजेड टू हैव हैपेंड. अब हम देखेंगे कि इसका एनफोर्समेंट क्या होता है कि तो जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है जो होम अफेयर्स मिनिस्टर होता है यानी जो होम मिनिस्टर होता है दैट यूजुअली एनफोर्स दिस एक्ट. लेकिन अगर एक्सेप्शन की नीड है तो सेंटर जो है दैट कैन फॉरगो इट्स पावर और डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट पर भी छोड़ सकती है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम मिनिस्टर ही इस एक्ट को इन्फोर्स कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये वाली पावर मिल सकती है इफ सेंटर डिसाइड्स टू फॉरगो इट्स पावर. ठीक है, तो इसका इन्फोर्समेंट होम मिनिस्टर भी कर सकता है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है स्पेशली क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्पेशली वहाँ पर आप इसके बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू तमिल योमान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तमिल योमान है क्या. सो तमिल योमान जो है इट्स अ बटरफ्लाई जो अभी न्यूज में है. सो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स गिवन है. फर्स्ट, इट हैज बीन ओनली फाउंड इन इंडिया. तो ओनली जहां भी आता है वहां पर बहुत केयरफुली आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है कि तमिल योमान जो है सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, जो बटरफ्लाई है सिर्फ इंडिया में पाई जाती है. ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इट हैज बीन फाउंड इन श्रीलंका ऑल्सो. ठीक है, सो इट इज फाउंड इन इंडिया एज वेल एज इन श्रीलंका, लेकिन स्टेटमेंट में ओनली गिवन है इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. उसके बाद दूसरा है, इट हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और इसीलिए न्यूज में है कि रिसेंटली तमिलनाडु जो है उसने तमिल योमान को अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है. दैट्स वेयर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली. सो जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंटली तमिलनाडु जो है उसने तमिल योमान बटरफ्लाई स्पीशीज विच इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स उसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है. सो अब हम तमिल योमान के बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे. एज यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. सो इट्स अ स्पीसीज ऑफ निम्फैलिड बटरफ्लाई. सो निम्फैलिड क्या है, ये एक तरीके की स्पीसीज है बटरफ्लाई की, ये आपको ध्यान रखनी है. तो उस स्पीसीज से बिलोंग करती है तमिल योमान जो है एंड इट इज फाउंड इन फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल श्रीलंका एज वेल एज इंडिया. और इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, इट्स अ यूनिफॉर्मली ऑरेंज इन कलर विद अ डार्क ब्राउन आउटर रिंग. जैसा यहां पर आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन आउटर रिंग एंड इट इज अमंग द 32 बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स. इसको जो है तमिल मारावान नाम से भी जाना जाता है विच मीन्स वॉरियर. सो एंड दीज बटरफ्लाइज आर फाउंड मेनली इन द हिली एरियाज. तो क्या चीज़ आपको नोट करनी है कि कौन सी जगह पर मिलती है. सो श्रीलंका इन इंडिया ज़्यादातर कहाँ पर मिलती हैं, हिली एरियाज पर मिलती हैं. और फेमस क्यों है, अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु ने इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब हम जान लेते हैं कि और जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या क्या किया है स्टेट बटरफ्लाई के कंसर्न में. अगर हम देखें सो पहली बार तमिलनाडु ने अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है. इससे पहले 4 जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाईज को डिक्लेयर कर रखा है. सो तमिलनाडु हैज़ बिकम दी 5th स्टेट इन द कंट्री टू डू सो. तो सबसे पहले किसने किया था, महाराष्ट्र ने. सो महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर ब्लू मॉर्मन एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई. सो दिस इज ब्लू मॉर्मन, महाराष्ट्र वाली. यू कैन सी ये ब्लू है कलर में तो उसी से इसका नाम दिया गया है. देन सेकेंड है उत्तराखंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है कॉमन पीकॉक. तो आप इसे देख के बता सकते हैं इट लुक्स लाइक पीकॉक. पीकॉक के जो फैदर्स होते हैं वैसी दिखती है बटरफ्लाई. सो ये उत्तराखंड ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की हुई है. देन थर्ड है कर्नाटका, सो दिस इज सदर्न बर्ड विंग्स जिसको कर्नाटका ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है. एंड देन इज केरला, सो केरला ने मालाबार बैंडेड पीकॉक. तो आप देख सकते हैं कि ब्लू इसका कलर है और यहाँ पर बैंड्स बने हुए हैं
इसलिए इसको नाम दिया गया है मालाबार बैंडेड पीकॉक, मालाबार एरिया में ही मिलती है, और केरला ने इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था, और फिफ्थ है तमिलनाडु जिसने तमिल योरान को अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है. सो आई होप आपको ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है. देन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंटली द टर्म जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको शॉर्ट में JCPOA भी बोलते हैं, सो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन जो है अभी वो न्यूज़ में है, इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं ईरान, नेपाल, कैनेडा और इराक. तो ये जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कोई नया प्लान नहीं है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो. सो ईरान जो है उससे रिलेटेड है हमारा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. और ये है क्या, तो जो ईरान न्यूक्लियर डील है, ठीक है, उसको ही जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला जाता है. अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था, ये नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ईरान ने ये अनाउंस किया है कि इट हैड अमास्ट मोर लो एनरिच्ड यूरेनियम देन परमिटेड अंडर इट्स 2015 में जो डील हुई थी, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया है. उसके अंडर जो जितना परमिटेड था उससे ज़्यादा ईरान ने लो एनरिच यूरेनियम का प्रोडक्शन किया है. सो इट इज़ द फर्स्ट मेजर स्टेप बियॉन्ड द टर्म्स द डील सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स पुल्ड आउट ऑफ इट. सो ये जो डील में है यूनाइटेड स्टेट्स भी इंक्लूड था, लेकिन अभी हमने देखा एक साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इस डील से विड्रॉ कर लिया है. सो उसके बाद पहला मेजर स्टेप लिया गया है ये बाय ईरान, और यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उस दैट मॉनिटर्स ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, और उसके अंदर IAEA जो है यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने कन्फर्म किया है कि यस तेहरान यानी ईरान हैड ब्रीच द लिमिट. सो इसलिए न्यूज़ में है कि इसने जितना भी यूरेनियम के लिए परमिशन दी गई थी उससे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन किया है. सो ये डील है क्या, सो व्हाट इज़ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. सो इट इज़ एन ईरान न्यूक्लियर डील, और ये जो एग्रीमेंट है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए साइन किया गया था, कब, वियना में साइन किया गया था July 14, 2015 में. सो ये जो डील है, ये जो प्लान ऑफ एक्शन है, दैट वॉज साइन बिटवीन ईरान एंड दी P5, ठीक है. तो P5 क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, विच आर US, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड UK. उसके अलावा जर्मनी और EU को भी शामिल कर लिया गया था लेटर, लेकिन जो मेन डील हुई थी ईरान और P5 में हुई थी, बाद में जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो गए थे. तो ये डील किस लिए की गई थी, एट कर्बिंग सा ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. सो इस डील के अंडर मोस्ट ऑफ द ईरान एनरिच यूरेनियम जो है दैट इज शिप्ड आउट ऑफ द कंट्री, सो दैट ईरान कैन नॉट यूज दैट यूरेनियम टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स. ये जो है इस डील का पार्ट था. और जितनी भी हैवी वाटर फैसिलिटी हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज होती हैं, दैट हैज़ बीन रेंडर्ड इनऑपरेबल इन द ईरान, एंड ऑपरेशनल न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल्सो ब्रॉट अंडर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन. इन रिटर्न द डील इन्वॉल्व लिफ्टिंग ऑफ इंटरनल सैंक्शंस ऑन ईरान. तो अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ईरान के जितने भी यूरेनियम एनरिच्ड जो जगहें हैं वो सारी दैट हैज़ शिप्ड आउट ऑफ द कंट्री, एज वेल एज इतनी ज़्यादा इस पर रोक लगाई गई है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इस डील के लिए ईरान तैयार क्यों हुआ. सो ईरान इसलिए तैयार हुआ क्योंकि इस डील से पहले जो US था उसने ईरान पर बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे थे, तो जिसकी वजह से ईरान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी. तो उसी कंडीशन से निकलने के लिए ईरान ने इस डील में एक्सेप्टेंस ली थी, ये डील की थी विद द ईरान विद द PF एंड सॉरी परमानेंट मेंबर्स एंड द जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन. और इसी के रिटर्न में जितने भी इंटरनेशनल सैंक्शंस जो ईरान पर लगाए गए थे दोज हैव लिफ्टेड आफ्टर दिस डील. सो अंडर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान एग्रीड टू एलिमिनेट इट्स स्टॉक पाइल ऑफ मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम, ऑल्सो कट इट स्टॉक पाइल ऑफ लो एनरिच यूरेनियम बाय 98%. यानी मीडियम एनरिच यूरेनियम को तो एलिमिनेट ही करना था, लो एनरिच यूरेनियम जो है उसके स्टॉक पाइल को कट करना था बाय 98% एंड रिड्यूस बाय अबाउट 2/3 द नंबर ऑफ इट्स गैस सेंट्रीफ्यूज फॉर
13 ईयर्स, ये जो है इस डील का पार्ट था, लेकिन उसी को अभी ईरान ने रिसेंटली ब्रीच किया है. सो फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स ईरान विल ओनली एनरिच यूरेनियम अप टू 3.67% एंड ईरान ऑल्सो अग्रीड नॉट टू बिल्ड एनी न्यू हैवी वाटर फैसिलिटीज फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस डील के अंदर ईरान जो है किस किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हुआ था, किन के बीच हुआ था, क्यों किया गया था, ईरान ने क्यों एक्सेप्ट किया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. क्योंकि आईआर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ईरान के बारे में या फिर न्यूक्लियर डील्स के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पूरे वर्ल्ड में, और न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बलोच लिबरेशन आर्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी बोला जाता है, आपने पक्का इसके बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑलमोस्ट न्यूज़ में आता ही रहता है. उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स गिवन है. सो फर्स्ट है, इट इज़ द प्रिंसिपल लैंड वॉरफेयर यूनिफॉर्म सर्विस ब्रांच ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज. यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की एक ब्रांच है, विच इज़ अ लैंड वॉरफेयर यूनिफॉर्म सर्विस. तो ये वाला स्टेटमेंट टोटली इनकरेक्ट है, बिकॉज बलोच लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट नहीं है, बल्कि इट इज अ काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इट फाइट्स. ठीक है, सो इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. उसके बाद दूसरा है, इट हैज बीन इन्वॉल्वड इन एथनिक क्लेंजिंग ऑफ नॉन बलोच माइनॉरिटीज इन बलोचिस्तान. सो यस, इट इज वन ऑफ द टारगेट ऑफ बलोच लिबरेशन आर्मी, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली. सो अब हम देखेंगे कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है न्यूज़ में क्यों है, और इसके बारे में और भी ज़्यादा, अगेन ये भी इंटरनेशनल रिलेशन या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं. सो रिसेंटली यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, जुलाई 2 को उसने बलोच लिबरेशन आर्मी को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. यानी ऑफिशियली इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान जो है उसने भी इसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट कर दिया था, और अब यूएसए ने भी कर दिया है. सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या, इट इज़ अ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड इन अफगानिस्तान. अब हम देखेंगे कि कोई भी इवेंट बनता है या भी कोई भी ग्रुप बनता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो अगर हम 2004 से देखें, सो बलोच लिबरेशन आर्मी हैज़ वेज्ड अ वायलेंट आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर वॉट इट क्लेम्स एज सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द बलोच पीपल एंड सेपरेशन ऑफ बलोचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान. तो इनका एम क्या है कि एक तो जो भी बलोच पीपल हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिले, एज वेल एज बलोचिस्तान का जो एरिया है उसको पाकिस्तान से सेपरेट कर दिया जाए, एज वेल एज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एथनिक क्लेंजिंग ऑफ नॉन बलोच माइनॉरिटीज इन बलोचिस्तान. तो ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है तभी आप बाकी चीज़ें इसके बारे में समझ पाएंगे. सो जो बलोच लिबरेशन आर्मी है दैट इज़ बीइंग ऑपरेटिंग मेनली इन बलोचिस्तान विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर ये जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट अटैक करती रहती है एंड ऑल्सो अगेंस्ट द सिविलियंस एंड फॉरेन नेशनल्स. सो बलोच मूवमेंट जो है ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, बाय द सोवियत यूनियन एंड रेडिकल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज से, और इसके जो कुछ लीडर्स हैं जो इसमें वर्क करते हैं दोज आर ट्रेंड बाय मॉस्को एज वेल. ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अब हम पढ़ेंगे कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है. ठीक है, सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो ये क्लेम करती है कि पाकिस्तान जो है वो इस एरिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है विदाउट गिविंग द ड्यू शेयर टू द लोकल्स एंड द इंडिजीनियस बलोच ट्राइब्स. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हमें क्या समझ आता है कि इनका मेन एम ये है कि जो भी लोकल पीपल हैं, स्पेशली जो बलोच पीपल हैं, उनको शेयर मिलना चाहिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसका शेयर मिलना चाहिए, एज वेल एज उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए. ये इनकी प्रॉब्लम है और यही ये चाहते हैं, और साथ में ये भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए सो दैट पाकिस्तान उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, एज वेल एज लोग जो हैं वहाँ के लोकल्स वो अपने आप डिसाइड करें उनके बारे में. सो बीएलए रिबेल्स जो हैं दे हैव ऑल्सो क्लेम दैट दे आर एमिंग फॉर बोथ फ्रीडम फॉर पाकिस्तान एंड इंटरनल रिफॉर्म ऑफ द बलोच सोसाइटी. तो यही इनकी आइडियोलॉजी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का मैप है एंड यू कैन सी दिस इज द एरिया ऑफ बलोचिस्तान जो ईरान से भी टच करता है एक साइड में, और इसके नॉर्थ में अफगानिस्तान है और इसके साउथ में अरेबियन सी है. तो इसकी आप लोकेशन भी देख सकते हैं एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. सो अब हम देखेंगे कि इंडिया क्या क्या स्टैंड है इस ये जो मूवमेंट है इससे रिलेटेड. सो बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर्स हैं दे हैव सॉट मेडिकल ट्रीटमेंट्स इन इंडियाज हॉस्पिटल्स बट इन डिस्गाइज और विद फेक आइडेंटिटी. तो पाकिस्तान जो है इंडिया को ब्लेम करता है कि इंडिया इज सपोर्टिंग दी बलोच
लोच रिबेल्स। अब हम देखेंगे कि यूएस, ये जो न्यूज़ में था कि यूएस ने इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, एज वेल एज जो इसकी फंडिंग थी उसको भी कट कर दिया है, तो ये यूएस के बैन का क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट इट मीन्स। सो पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर कमांडर्स एंड मॉड्यूल चीफ ऑफ द बलोच लिबरेशन आर्मी टू ट्रेवल इन द रीजन। तो यूएस ने जो है पाकिस्तान से बोला है कि यू हैव टू मेक इट डिफिकल्ट, कि जो भी मेन कमांडर्स और चीफ्स हैं इस लिबरेशन आर्मी के, उनका डिफिकल्ट बना दिया जाए इस रीजन में रहना और इवन ट्रैवल करना, ठीक है। इसके अलावा फाइटर्स आर आल्सो लाइकली टू फाइंड फंड रेजिंग मोर डिफिकल्ट, तो उनको फंड रेजिंग अभी तक जो मिल रही थी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के करने के लिए, अपना मूवमेंट को कैरी ऑन करने के लिए जो फंड मिल रहा था उसको रेज करना भी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा व्हेन यूएस हैज़ बैंड इट, क्योंकि यूएस जो है पाकिस्तान पे प्रेशर बनाएगा टू मेक देयर लाइफ्स डिफिकल्ट। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट बलोच लिबरेशन आर्मी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर हम इंटरनल टेररिज्म की बात करें, वहाँ पर भी इंटरनल सिक्योरिटी में भी, IR में भी, पाकिस्तान से जो रिलेशन है वहाँ पर भी, तो बहुत सारी चीज़ों में इसको मेंशन किया जा सकता है मेंस की आंसर राइटिंग में। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस टाइप ऑफ वीडियोज हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल एज वेल एज आर टेलीग्राम चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल अस एट hello@sibilstep.com, ऑल्सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर if you have any query. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.